हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्रैक द मैथ RRC ग्रुप डी लेक्चर नंबर 204। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन की। मेरे साथ अगर आप मेरे कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ना केवल मेरा कोर्स आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको अन्य सभी टीचर्स की क्लासेस भी मिलने वाली हैं और आप लगातार अपनी प्रिपरेशन को अलग लेवल पर ले जाओगे। लेकिन जरूरी यह है कि देखते रहने और बातें करने से अगर प्रिपरेशन हो जाती तो शायद कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते, लेकिन पढ़ने से होती है और लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट से होती है। शिक्षा या फिर एजुकेशन या फिर कोई भी नॉलेज एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे पहले पढ़ के चुके भी है ना और लगातार अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो ना तो वो खत्म है। आपको लगातार उसको सीखता रहना होगा तभी जाके वो ग्रो कर पाएगी। साहिल 10 एज ए कोड लगाइए, आपके लिए जो मतलब अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है वो एक महीने अगर कहीं बाहर जाते हो तो रूम रेंट के बराबर है। तो आप इतना हाइप ना होइए, आप जो कर रहे हो उसके लिए बेस्ट, आप घर पे बैठकर पढ़ाई करिए, अच्छे से खाना खाइए और अपने आप को एफिशिएंटली आपके एजुकेटर्स के साथ बात करिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर्सनल गाइडेंस एक्सपर्ट, पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी मटेरियल और क्लासेस अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ मिलता है। साहिल 10 कोड लगाना ना भूलिए, जिससे कि आप मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे जहां पर मैं आपको कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं, बिगनर टू एक्सपर्ट सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आज दोपहर 3:20 पर, ये 3:20 पे कर लेना, 3:20 पर अपना टारगेट था मैथ का मेगा टेस्ट होगा, है ना, और रात को 8 अपना कैच द मैथ होगा आज। ठीक है, और आगे से बात करना चाहता हूं कि आज शाम को 5 आप सभी को आना है। क्यों सर, क्यों आए हम, ये आप लोगों के लिए, फिर बाद में मत कहना सर क्लास कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, हो भी रही है नहीं भी हो रही है। तो ये सारी चीजों के सवाल और जवाब और आपको एक शानदार तोहफा कि आप इफेक्टिवली आप 1 नवंबर से कैसे पढ़ने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आप इतने दिन से जो कर रहे थे क्या वो रिपीटिशन में करेंगे या कुछ और भी हम अलग करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको मिलेगा 5 शाम को, आप सभी के लिए दिवाली का तोहफा। ठीक है डियर, चलिए तो सबको आना है भैया ना, फिर मैं इसमें एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता कि मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं देख पाया, मेरे को तो पता ही नहीं चला, ये सब चीजें नहीं चाहिए भैया ना। आइए 12:30 1 नवंबर मंडे 12:30 मॉक टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूं RRB GD जो कि SSC GD के लिए कर रहा हूं, डेली 12:30 अंतिम डोज। तो जो विद्यार्थी जीडी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक शानदार मौका है प्रिपरेशन को अलग लेवल पर ले जाने का। आइएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये होमवर्क का क्वेश्चन था कि 4 की बड़ी से बड़ी संख्या, तो चाहे यहां पर बड़ी से बड़ी लिखा हुआ हो 4 आ गया तो प्रश्न ये LCM का है। 12, 20, 32 और 44, तो 12, 20, 32 और 44 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 के 10, 16 2 32 22, 2 3 6, 2 5 10, 2 8 16 और 11, 3 5 8 11, तो काफी बड़ा लंबा आपका ये है अपना LCM निकल के आएगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं 4 3 12 5 60, 480 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 08 8 4 12 5280। तो यही पूछा गया कि 4 की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं कहता हूं कि वह संख्या वो होगी जो LCM का K मल्टीपल हो। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो 5280, अगर आप K बराबर 1 रख रहे हो तो ये आ रहा है, K बराबर 2 रख रहे हो तो आप 5 पे चले जा रहे हो, तो यही आंसर होगा 5280, मतलब आंसर यही हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, आप इसके अलावा कोई और संख्या बता दो मेरे को 4 की इससे बड़ी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। के बराबर आप 2 रखोगे तो आप पहुंच जाओगे 10,000 के पार, तो वो चलेगा नहीं, वो 5 का हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, सॉरी टाइम तो क्यों देंगे, 27 में से 28 गया तो माइनस माइनस प्लस 27,
माइनस का 2 प्लस का 26 और 23 में से आपके 26 चले गए तो माइनस का 3 बी। ठीक है सही है ना। नेक्स्ट सर एसएससी जीडी के लिए कौन से टॉपिक पढ़ाए हो आज आप कब बताओगे? बता दिया 5 बजे बताऊंगा है ना। नेक्स्ट आइए ये क्या ये तो वैसे ही हो जाना है। 48 लेडीज साबुन बेचती हैं सीता, जब 48 लेडीज साबुन बेचती है तो 12 लेडीज साबुन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 48 साबुन बेचने पर 48 साबुन खरीदने पर 12 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर आपका प्रॉफिट होता है। यहां हो गया कितना 36 साबुन का विक्रय मूल्य बराबर 48 साबुन का क्रय मूल्य। एसपी और सीपी कितना हो जाएगा 12 चौके 48 12 तिया 36 1/3 इंटू 100 33.33 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5x प्लस 9y बराबर 5 अब ये होल क्यूब हो रहा है तो ये क्या दिख रहा है 5x प्लस 9y का होल क्यूब कर दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी ए प्लस बी जो कि कितना है 5 बराबर 125 ये 120 5 तो आ गया ना। एक्स और वाई निकालना है तो 5 से 5 कट जाएगा 135। अब आते हैं 204 नंबर सेट पर पहले प्रश्न पर। चलिए आइए आज इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा। देखिए चलिए अब ये एक लड़की है मीनू लता अभी आज से पढ़ना ही छोड़ रही है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रकट कर दो। अब इसके बाद आज पढ़ेगी नहीं। अभी 16 विशेषज्ञ किसी कार्य को 28 प्रशिक्षु द्वारा किए गए समान अवधि में पूरा करते हैं। 16 आपके क्या हैं विशेषज्ञ हैं यानी कि एक्सपर्ट हैं बराबर 28 ट्रेनी है। ठीक है एक्सपर्ट और ट्रेनी 4 7 28 और 4 4 16 और 12 विशेषज्ञ और 15 विशेषज्ञ किसी काम के एक भाग को पूरा करते हैं। इस समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञों को कितने प्रशिक्षकों ओके तो गड़बड़ कर दी ना नहीं सही है वैसे तो 12 प्रशिक्षक 15 प्रशिक्षकों की किसी ठीक है 12 एक्सपर्ट हैं 15 ट्रेनी है किसी भाग के 8 एक्सपर्ट कितने ट्रेनी देखो भाई यही है ना देखना चलो 12 7 84 और 15 4 60 144 और 8 256 और 4 लगा दो इसकी जगह तो
8/4 22 आंसर आ रहा है भाई, सी आंसर हो जाएगा 22। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे टाइम वाइम का कोई दिक्कत नहीं था इसलिए अपन ने सीधा सिंपल बराबर किया उनको। नेक्स्ट दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 120, उनके वर्गों का योग 289 है, यानी कि उनका जो SCF है वो तो 120 है और वर्गों का योग कितना है 289। तो बोला गया है कि उन संख्याओं का योग होगा, उन संख्याओं का योग कितना होगा ये बताओ सर। बढ़िया क्वेश्चन है यार, वर्गों का योग दे रखा है, SCF 120 है, यानी कि यार वो दोनों संख्याएं, बहुत बढ़िया, वो दोनों संख्याओं के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मौजूद रहने वाला है, रहने वाला है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों संख्याओं का SCF तथा और उनके वर्गों का योग SCF, दोनों संख्याओं का SCF, गड़बड़ है। ये बोलना चाहिए उसको या दोनों संख्याओं का गुणनफल बोलो, मल्टीप्लिकेशन, क्यों? क्योंकि तब तो बात बने भी। हां 8, 15, 17 ट्रिपलेट बन जाएगा ना फिर तो, कैसे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो गड़बड़ है लेकिन फिर भी कर लेते हैं ये लोग। एक बार देख लेते हैं क्या आता है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट, एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 44 है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी ये बताइए। सर नहीं समझ में आया, अब आपको लग रहा होगा ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां बोला गया है सर 44 ग्राम आपका नमक है, अब द्रव्यमान के संदर्भ में, अब बिलियन और विलायक जो दो चीज होती है, आपने जो मिलाया है वो आपको 44 ग्राम सांद्रता निकालनी है और बिलियन में पानी 320 ग्राम में सामान्य नमक वो मिला हुआ है। अब नमक तो घुलनशील होता है, यानी कि यहां पर जो आएगा कितना 320 और 44 जुड़कर आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 364, कितना आ गया द्रव्यमान के तौर पर इंटू 100, 4 से काटो 11 बार, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 11 8 88, सुनना 12.5, अब 12.5 होता लेकिन ये ज्यादा है ना उससे, तो कम होगा 12.5 से, तो 12.5 से कम कितना हो जाएगा, चुन्नू सा कम, ये लो बस खत्म। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कर सकते हो 1100/91
91 वन 91 बच्चे कितने अपने सामने, 9, 10, 19, 190 190 बचे, तो 91 टू जा तो 12 परसेंटेज तो जा ही रहा है, तो 12 वाला आंसर है, 12.5 तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आइए, चलिए 2 मीटर समान लंबाई मतलब 2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है, पार्क के अंदर है रास्ता, पार्क के अंदर रास्ता है ना, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो इस रास्ते द्वारा घिरे हुए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बता दो। वाह, यानी कि कहने का मतलब समझ में आ रहा है, 2 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर है, ये वर्गाकार पार्क है, उसके अंदर एक रास्ता बना दिया मैंने, ठीक है, ये अपना रास्ता है। अब रास्ते का क्षेत्रफल 416 है और ये 2 मीटर की चौड़ाई है, ये 2 मीटर ये कहीं से भी देख लो, तो इस रास्ते द्वारा घिरे गए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको दे दिया और इस रास्ते द्वारा घिरे हुए वर्ग का क्षेत्रफल ये निकालना है, एरिया हम जानते हैं सर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2W × 2W बराबर होता है एरिया। अच्छी बात यह है कि यहां वर्ग है तो ए प्लस ए लिख सकते हो, चौड़ाई आपको पता है 2×4 ये भी 4 और 416 काट सकते हो, 4×4 = 104 तो 2a बराबर आ गया 100, a बराबर आ गया 50। अगर a बराबर अगर 50 है यानी कि यहां पर आपकी भुजा आ गई 50 तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2500 क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तुम्हारा 2400 आ रहा है सच्ची में। यार इतना दिमाग लगा लिया तुमने, हमारा 2500 आ रहा है, तुम्हारा 2400 आ रहा है, इनका नाम तो लेना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे कभी कभार क्या मेरे को भी शॉक कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अलग लेवल सोच रहे हैं। हाँ अमित हो गया, सोमन सरकार हो गया, और जैसे कि बहुत बहुत पुराना चल रहा है सिस्टम, जैसे कि भाई अमित, हाँ अमित है, देव है, साथ में लग गया उसके, मोहम्मद आशिम ने टिक लगा दिया, बोले यही है, जैसे कि ये कौन मिलेगा करोड़पति में कंप्यूटर जी हूँ, इनको सब पता है। चलिए माइनस का 2W होगा ना, यही तो है, पूरा चीज बता दिया मैंने, पूरा डायग्राम बना दिया, लेकिन तुम्हारा परसेप्शन खत्म नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब तक तुम सही सोचने पर मजबूर खुद के दिमाग को नहीं करोगे, तो मैंने तो सही बताया है, अब तुम अपने दिमाग को नहीं कर रहे हो, अब क्वेश्चन को पढ़कर तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 2 मीटर समान चौड़ाई के एक रस्ते का एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है, वर्गाकार पार्क ये रहा, उसके अंदर रास्ता है, ठीक है, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो इस रास्ते द्वारा घिरे हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो रास्ते द्वारा घिरा गया तो ये है, बताओ ना, यही तो निकालना है। नेक्स्ट, तो इसके लिए तो ये समझ गया ना, आइए अब देखिए, यहां बीच में डिवाइड है, छूट गया था ना, बढ़िया रहा, बीच में डिवीजन है, निकालिए सर, ये
ये डिवीजन है ना, ध्यान रखना सॉल्व करो। चलिए, अरे रेक्टेंगल का फॉर्मूला और वर्ग की फॉर्मूले में फर्क थोड़ी होता है, बस भुजाएं समान हो जाती हैं, बस हो गया। एस बराबर 6 प्लस 16 माइनस 4 12, दो दूनी 4 और दो 6 माइनस कट टू 6 आंसर आ जाएगा। अभी 3 दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल ठीक है। क्यों, जिन्होंने 3 दिया उनके लिए तालियां हो जाए, क्यों सर 3 आंसर कैसे आ जाएगा, 6 आएगा आंसर। तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, एस का आधा मान पूछा है। अरे वाह, ऐसे बोल्ड करता है एग्जामिनर तुम्हें। चलिए, है ना मजेदार चीज। चलो अगला क्वेश्चन आइए। किसी मिश्र धातु में 37.5% चीनी चांदी थी, मिश्र धातु में 117 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा बताओ। अन्य तत्वों की मात्रा, तो इतने धातु में 3/8, तो 3/8 ये टोटल है और ये सिल्वर है, तो हम मात्रा बोल देते हैं। इतनी चांदी थी तो 3 बराबर कितना है 117, तो 3 3 9 3 9 27, बाकी धातु कितनी होंगी 5:5, 39 × 5 195। क्योंकि ये टोटल है, अब बाकी जो धातु होंगी 5 होंगी क्योंकि 3 चांदी है। नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 72 किलोमीटर की गति से वापसी 54 की गति से तय की जाती है, यदि कुल समय 7 घंटे है तो दोनों बिंदुओं की दूरी बताइए। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस बराबर दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग, टाइम का डिफरेंस, ओ सॉरी टोटल टाइम, दोनों की चालों का गुणनफल 72 × 54, दोनों की चालों का योग 126 और टाइम 7, तो 7 × 7 7 × 8 = 56, 18 × 4 = 72, 54 × 4 = 16 और डी आंसर आ गया 216। नेक्स्ट, आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, बाकी प्लस। देखिएगा, पहले छोटा ब्रैकेट 9, 9 * 3 = 27,
माइनस नौ माइनस तेरह माइनस का सात। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण ब्याज की दी गई राशि तीन साल में 815, चार साल में 854। अब आपको पता है कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक साल का आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 में से पांच गया तो 9, चार में से एक गया तो 3, 39 रुपया। तो 39 रुपया आ रहा है, तीन साल का घटा देंगे तो 39 इंटू 3, 9 × 27, 3 × 9 = 117। अगर 815 में से 117 माइनस हो रहे हैं, निकालना क्या है भाई? अच्छा, प्रिंसिपल ही निकालना है। तो वही आंसर हो गया, 15 में से 7 गया तो 2, नहीं सॉरी 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है, तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 698, 698 सी आंसर होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु में 43% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 43% की छूट रखता है, तो उससे होने वाला कुल परिवर्तन प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 43% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उस पर बिक्री पर 43% की छूट रखता है, तो उसके बाद क्या होगा? तो वही वाली बात आ गई, ये तो सक्सेसिव वाला केस हो गया। आपने पहले अंकित मूल्य को बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपने डिस्काउंट दे दिया, और ये बस दिखा दिया कि भाई ऐसा चल रहा है, लेकिन है तो ये एक्चुअल में सक्सेसिव केस ही ना। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 43 प्लस में 43 माइनस में माइनस 43 इंटू 43 बटे 100 होगा। यानी कि आपका जो सही आंसर होने वाला है ये कटिंग हो जाएगी यहां से 1849। देखिए कैसे करने वाले हो, ओ नीचे तो चलो, और भैया मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मंडे से आपकी कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आज शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहा हूं, जहां पूरा टाइम टेबल बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। फिर बाद में मत कहना कि सर मेरा ये छूट गया और ये कब शुरू कर दिया था, कब खत्म कर दिया था। कोई भी इंसान जब चालू चल जाता है, क्योंकि मैं आने वाले अब 2-3 महीने का प्लान आपको बताने वाला हूं कि भाई ऐसे चलने वाला है, ठीक है, और आपको उसी तरह पे स्टक रहना है और ऐसी तैयारी करनी है। तो मैं 5 बजे जरूर आए आज लाइव, वहां आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि ये क्लास किसके लिए रिलेवेंट है, कौन कौन ये, अब ये वो करना क्या है, वो टाइम मैनेजमेंट भी पता लगेगा उसमें आपको, ठीक है ना, तो आप जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो ए बराबर आपका कितना है सर, √2 + 1 है। बी बराबर आपका कितना है सर, √2 - 1 है। अब मैं वहां पुट कर देता हूं तो ये कितना आ रहा है, √2 + 2, बी बराबर √2। एलसीएम ले ले, √2 और √2 + 2,
तो ये हो गया रूट टू प्लस वन, कॉमन ले लो, कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां से क्या कॉमन ले लें, टू 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 रूट टू कॉमन ले लेते, तो रूट टू पहले से ही था, रूट टू फिर कॉमन ले लिया, तो वन प्लस रूट टू ये कट गया, तो वन बाई टू आंसर आ रहा है भाई। गड़बड़ कर दी ना, अरे यार गड़बड़ कर दी और क्या, पता नहीं क्या कर दिया ये। तो ये हो गया रूट टू आया, इससे क्या आएगा रूट टू प्लस टू आएगा ना भाई, हाँ तो बात बन गई अब, तो टू रूट टू प्लस का टू और नीचे आ रहा है रूट टू प्लस का टू, कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा ऊपर रूट टू प्लस का वन और नीचे आ रहा है रूट टू रूट टू रूट टू प्लस का वन, ये कटिंग हो गया और वन आंसर आ गया, बी आंसर आ रहा है इसका। चलिए चलिए भाई क्या कहानी है, इकाई का अंक निकालना है, तो एक का एक का एक हो जाएगा बस, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए एक क्या है भाई, एक कंपनी है, एक एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की सहायक परियोजना में 631 पुरुष हैं और 631 ही महिलाएं हैं, सभी कर्मचारियों में अटेंड कॉल करने का बेहतर बेहतर बेहतर, तो आंसर कितना होगा डायरेक्ट बेहतर हो जाएगा, ये पहले भी हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट, बलिदान पूछ रहा है सर कलकत्ता कैसा लगा हमारा, मैं पूछ रहा था वहां पे, मतलब मैं हम जिस कैब में जा रहे थे तो मैंने पूछा था, मैंने कहा ये मतलब बनाया किसने ये, अब पता लगा है तुम्हारा है वो, वैसे तो अच्छा था यार, बढ़िया सा शहर एकदम मस्त, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि भाई तुम्हारा है। इतिहास के पन्नों को पलट दिया भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, एक किण्वन लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है सर, तो ये मिल्क और वाटर है, अब बदलकर 3:5 हो जाता है, तो कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है तो 1:1 ही मिलाया जा रहा है, 7 बराबर ये, 1 बराबर 13, 13 आंसर। सर आपके एनटीपीसी की बुक किस नाम से है, एनटीपीसी सीबीटी 2 बुक बाय साहिल सर, है ना, अमेजॉन पे मिलेगी। नेक्स्ट
चलिए, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां। एक बच्चा कह रहा है आज सर सीरियस मूड में लग रहे हैं इसलिए सर ने अम्मा जान नहीं बोला। मैंने बोला था ना अम्मा जान, तो वो एक बच्चा अम्मा जान के पास जाके बोला भाई बुक दो साहिल सर की। अम्मा जान बोली कि बुक कहां से आई भाई, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कोई गलत सुन ना ले इसलिए सही ढंग से बता दो, ऐसे भी हैं कुछ। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं और पहली 4 का 51 ग्राम है, बाकी 6 का 52, तो ये हो गया 51, 6/10 51.6। JSM जिंदाबाद। नेक्स्ट, देखिए सर, एक आयतकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3। बोला जा रहा है सर खेत का जो क्षेत्रफल है वो 1452 वर्ग मीटर है, तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की चार दीवारी का बाड़ लगाने का लागत कितना है। तो भाई खेत का क्षेत्रफल दे दिया भाई इतना, तो खेत का क्षेत्रफल इतना है, तो 12x² = 1452, 12 × 1=12, 2 × 12=24, 12×12 x = हो गया 11, यानी कि ये 44 है और ये हो गया 33 और 77 हो गया चारों दीवारी, ठीक है, और 77 × 154, तो 154 × 12, तो 12×48 और 180 × 184, 1848 ये आंसर होगा। नेक्स्ट, क्योंकि वो परिमाप निकालना है ना, परिमाप निकाल दिया हमने, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो फिर 12 से गुणा कर दिया। नेक्स्ट 17वां, आज हम इसको पूरा निपटा देंगे, है ना। मंडे से आपके लिए जीडी की क्लास चलेगी 12:30 बजे, और आपके लिए क्या है वो आपको 5 बजे पता चल जाएगा। देखिए सर, सुबह 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की एक बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है और 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 20 से चलना शुरू करती है। 2 घंटे में वो कितनी चल जाएगी, ए से 140। अब दोनों की स्थिति क्या है, इस तरह से है कि 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर और 2 घंटे बाद बी से ए की ओर, ठीक है, तो 320 की दूरी थी, तो 140 घटा दो फिर, क्यों, क्योंकि वो इतना खिसक के आ गई ना भाई, 180 बचा, तो अब बीच में बचा 180, ये 70, ये 20, 2 घंटे टाइम कितना लग रहा है, 180/90 2 घंटे, तो 2 घंटे कब से, सुबह 9:11 से 12:01 बजे, 1 AM, मतलब 1 PM आएगा एक्चुअल में, तो ये गलत लिख रहा है इसमें, 1 PM करो इसको, एक बजे होगा, 1 PM होगा, है ना, वैसे कोई मेंशन नहीं, अच्छा सुबह लिखा हुआ है ना, सही है फिर तो यार अपना, 11 AM नहीं 1 PM हो जाता है ना भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, सर 204 × 20 4080 क्वेश्चन हो गया, हां सुजीत
और उधर वाले भी जोड़ लो, कैच द मैथ भी, कैच द मैथ भी जोड़ लो, 350 × 25 कम से कम 30,000 से 40,000 क्वेश्चन करा दिए मैंने ओवरऑल, ज्यादा ही उल्टा है, 1,00,000 मानो कम से कम। चलिए, एक्स वाई जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं और एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने, जेड है ना 30 पूरे वर्ष, तो किराए बांटो। पंद्रह 32 36, 6 × 2 = 8 × 5 = 13, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 83 = 415, 1 = आपका हो गया 5, तो y का हिस्सा कितना है 32 × 5 = 160। नेक्स्ट, चलिए, एक चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान दे रखा है 125 और 35, ये कितना हो जाएगा 160, अन्य दो बराबर हैं तो 100 100। नेक्स्ट, ये डिवाइड है, देखिए 4 × 3 = 12, 3 × 9 = 9, 9 × 4 = 50, 25 × 2 = 50, 50 × 36 = 12 = 48, 50 − 2 = d। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, और क्रैक द मैथ 204 नंबर पर, यहां पर आपका ये जो सीरीज है एंड हो रही है। अब मंडे से 12:30 बजे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे यहां पर, और वो भी आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि 25 में से 25 का टारगेट जिसमें जीडी ने लिया है, ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है, आप ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना परचम लहराएं, आपने जो सीखा है उसको दिखाएं, और मॉक टेस्ट में मेरे साथ 12:30 बजे मंडे से 1 नवंबर से जुड़ जाएं, और काफी मजा आपको आने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, और होगा भी आपके लिए। क्या है, आपको लग रहा होगा क्या होगा, तो 5 बजे आपके लिए सारी स्थिति आपके लिए साफ हो जाने वाली है, तो 5 PM आपके लिए शानदार तोहफा आ रहा है मेरी तरफ से, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है, और ना पढ़ने वालों के लिए तो ढूंढो ढूंढो रे साजना जी, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए हाँ, और जो बच्चे आज के बाद पढ़ना छोड़ रहे हैं उनके लिए भी मेरी सद्भावना है पूरी की पूरी, क्योंकि वो फिर आज के बाद पढ़ेंगे नहीं ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अरे भाई, क्लासेस लगातार चल रही हैं और चलती ही रहेंगी, एग्जाम देखकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी कभी सिलेक्शन नहीं लेता, पढ़ाई करके एग्जाम देने वाला विद्यार्थी सिलेक्शन लेता है, तो पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है और उसी पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। 3:20 पर अभी टेस्ट होगा, वहां भी आप लोगों से मिलेंगे, वहां भी प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, 3:20 पर मिलेंगे आपसे। कैच द मैथ का मॉक टेस्ट होगा 8 बजे, जरूर आइएगा, और मेरे साथ अगर मेरे फाउंडेशन बैच में नहीं जुड़े हो, जो कि 2:00 PM चलता है, तो भैया जुड़ जाओ, क्योंकि आपको काफी मजा आने वाला है इस बैच में, ठीक है, काफी मजा आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे अनअकैडमी पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, यानी कि और फैकल्टीज की क्लासेस सब कुछ आपको मिलेगा। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर SSC कैटेगरी में जुड़ो, या किसी भी कैटेगरी में जुड़ो आप,
तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 24 महीने का बैच ले लो, साहिल 10 एज ए कोड लगा दो और मेरे साथ जुड़ जाओ। और जुड़ने के बाद में आपको डिस्काउंट और एक महीने की कमरे के किराए की फीस में आप पूरे 24 महीने पढ़ जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सारी सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी। ये मेरा कहना है आपसे। तो मस्त होके पढ़ाई करिए, आज के डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर सब कुछ आपको मिलेगा। आप किसी भी लर्नर से रिपोर्ट करा सकते हैं और कोई भी लर्नर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पर रिपोर्ट कर सकता है और प्राइज जीत सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मिलना 5 बजे, क्योंकि 5 बजे मजा आएगा, स्पष्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई 1 तारीख से क्या टाइम टेबल रहने वाला है। और 3:30 बजे मतलब 3:20 पे टेस्ट होगा, उसमें जरूर जुड़िएगा। तो टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।